आप लोगों को टैली ईआरपी 9 में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कैसे करते हैं आज हम जानेंगे यहां पर। तो इसके पहले आप लोग जो है कंपनी क्रिएट कर लेंगे, यहां पर कंपनी क्रिएट कर लेंगे और यहां पर हम एक अमेजोन नाम से कंपनी जो है क्रिएट कर दे रहे हैं और इसकी जो डिटेल है यहां पर आप लोग जो फिल कर लीजिएगा, कहां से इशू कर रहे हैं या कंपनी एड्रेस डाल दीजिएगा और यहाँ पर स्टेट डाल दीजिएगा किस जिला यहाँ पर स्टेट से है आप लोग, यहाँ पर स्टेट कर देंगे और पिन कोड यहाँ पर डाल करके जो भी इसमें फिलअप करने के लिए मांग रहा है आप लोग इसको जो है फिलअप कर लीजिएगा यहाँ से। जब तक यह कंपनी क्रिएट हो रही है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा और लाइक करके हम लोग जो है वीडियो को आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका गेटवे ऐप जो टैली है यहाँ पर कंपनी जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें सीखना है कि ओपनिंग बैलेंस कैसे एंट्री करते हैं, तो इससे पहले हम लोग जो है लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है अकाउंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अकाउंट इंफॉर्मेशन में हम लोग एंट्री करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा लेजर का ऑप्शन। लेजर वाले ऑप्शन पर आकर के यहाँ पर बस क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिंगल लेजर क्रिएट दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्या करना है क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेजर क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके ठीक नीचे जो है नेम का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर अंडर मिल जाएगा। तो हमको बस इतना ही काम है, इसमें क्या यूज करना है ये मैं दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परचेस, परचेस और इसकी जो अंडर में हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट, क्या लिखेंगे परचेस अकाउंट। यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे एंटर कर लेंगे और आप लोगों को इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड जो है यस करना पड़ेगा, इसको यस कर लीजिएगा और यस करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर पार्टी का नाम यूज कर लेते हैं, पार्टी के नाम जैसे कि मान लीजिए जया कर दे रहा है और यहाँ पर अंडर में इसके जो है हम लोग जो है संडी डेप्टर यहाँ पर सॉरी संडी क्रेडिटर यूज कर दे रहा है और यहाँ पर संडी क्रेडिटर करने के बाद आप लोगों को इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यस करके हम लोग जो है इसकी डिटेल जो है जया का यहाँ पर पूरा फिलअप कर लेंगे। ओके, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और लेजर हम बना ले रहे हैं, जैसे कि हम कर दे रहे सेल, और सेल का लेजर हमेशा ध्यान रखिएगा सेल अकाउंट होता है और यहाँ पर इसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये आपका हो गया सेल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि एक पार्टी हो गया परचेस का, एक पार्टी सेल का, तो सेल वाले पार्टी का नाम हम कर दे रहे हैं अमित, और अमित जो है यहाँ पर सेंडी डेप्टर का यूज कर दे रहा है और बाकी जो है इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करके आगे फिलअप करके इंटर मार के एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ओके, अब इतना करने के बाद स्केप की बटन एक आप लोगों को ऊपर में दिया जाएगा स्केप की, तो इसको स्केप की का आपको यूज करना है। मैं स्केप की जो है बटन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, स्केप की बटन जो है कहाँ से यूज करते हैं उससे हम लोग बैक करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्केप की आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए ESC लिखा गया है, इसको बोलते हैं स्केप की, इससे जो है बैक आती है। ओके, तो हम लोग यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पर ध्यान रखना है बैक आने के लिए ये नियम है यहाँ पर, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको मैं काट दे रहा हूं। अब हमें यूज करना है इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जरूरी है, यूज कैसे करते हैं तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आएंगे और जो है यहाँ पर एंटर करके स्टॉक ग्रुप सबसे पहले जो है क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक ग्रुप में आप लोग दिखा रहा हूँ, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन को जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको इतने कैटेगरी मिल जाएंगे, जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स, वाउचर टाइप्स। ओके, अब यहाँ पर क्यू टैग दिया गया है, इससे हम लोग बाहर चले जाते हैं। स्टॉक ग्रुप, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप का मतलब ये होता है जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं उसी तरह के एक स्टॉक ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट करके हम लोग सिंगल स्टॉक ग्रुप जो है क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं शॉप। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई दुकान पर जाते हैं तो उसे बोलते हैं शॉपिंग, मतलब या शॉप करने जा रहा है या शॉपिंग, यहाँ पर शॉप यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर शॉप लिख करके और इसको प्राइमरी में ही रहने देने हैं अंडर में इसके, और बाकी जो है एक्सेप्ट करा लेना है।
अब यहाँ पर आते हैं बैक, बैक स्केप की से आना है, ध्यान रखना है, और आप लोगों को यूनिट ऑफ मेजर्स में क्लिक कर देना है। ओके, यूनिट ऑफ मेजर्स में आप लोगों को एंटर करना है। आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट कर लीजिएगा। अब इसकी मात्रा पूछा जा रहा है, मात्रा जैसे कि आप अगर कोई पेन ले रहे हैं तो वह पेन किस में आता है, जैसे कि पीस में आता है, अगर राइस ले रहे हैं तो केजी में आता है, मिल्क ले रहे हैं तो लीटर में आता है, ऑयल ले रहे हैं तो अभी लीटर में आता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप लोगों को यूज करना होता है। ओके, तो हम यहाँ पर पीस कर दे रहे हैं और एक्सेप्ट, और केजी कर दे रहा है। केजी को भी फॉर्मल नेम यह होता है कि फुल नेम होता है। ओके, तो मैं फुल नेम नहीं लिख रहा हूं, आगे जो है बढ़ जा रहा हूं, जैसे केजी का किलोग्राम, ओके, एलटी का लीटर, अब पीस का पीसेस। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग जो है लिख करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम बैक कर दे रहे हैं। अब बैक करने के बाद हमको जाना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में ही हमें ओपनिंग बैलेंस का यूज करना है, इतना समझ में आ गया। तो ओपनिंग बैलेंस जो है हमें स्टॉक आइटम में ही क्रिएट करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक आइटम में आना है और यहाँ पर सिंगल स्टॉक आइटम जो है क्रिएट कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर राइस, और राइस में आप शॉप कर रहेंगे और यूनिट में केजी कर देंगे। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को यहाँ पर मिल गया, तो ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से ही खरीदा हुआ आपके पास है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर इशू करना चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल समझ लीजिए आप लोगों, अगर हम शॉप एक नया खोल रहे हैं उसमें हम अगर प्रोडक्ट सामान बेच रहे हैं, तो जो हमारे पास घर का सामान है, एक मान लीजिएगा जैसे कि अगर हमारे पास घर का कोई सामान है, अगर उसको भी मैं सेल करना चाहता हूँ तो वो हो गया ओपनिंग। अगर मैं कोई मार्केट से सामान लेके आ रहा हूं उसको हम बोलेंगे परचेस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ओपनिंग का मतलब, ओपनिंग बैलेंस का मतलब यही हो गया कि हमें कैसे यूज करना है ओपनिंग बैलेंस का। ओके, तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना है, जैसे कि मान लीजिए हम कर दे रहे हैं 154 और पर केजी जो है 39 यहाँ पर कर दे रहा है, और यह आपको रेट दे देगा 6,006 रुपया। ओके, यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे कि मान लीजिए अब हमें यूज करना है मिल्क। ओके, यहाँ पर मिल्क नहीं हम बनाया है, लीटर का नहीं बनाया है, तो हम दूसरा एक कर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बुक, और बुक को हम कर देते हैं शॉप, यहाँ पर कर देते हैं पीस, और ओपनिंग बैलेंस में यही आपका ओपनिंग बैलेंस है, ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। यही आज हम लोगों को सीखना था कि कैसे यूज करते हैं। मैं इसकी एंट्री ब्यूरा दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे इसकी एंट्री करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए बुक हम ले रहे हैं 500, अगर यह हमें रेट में मिलता है 20 रुपया। ओके, ये आपका 10,000 का माल हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, बैक कर देते हैं। ओके, आप लोग बैक आने के बाद स्किप की ध्यान रखिएगा, स्किप की से बटन आते हैं बैक, और इंटर से आगे जाते हैं, और एरो बटन से अप डाउन कर सकते हैं। ओके, तो हम आते हैं ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर, और यहाँ पर क्या करते हैं इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ से F9 जो है परचेस करने के लिए होता है, और यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है, तो आप लोग सप्लायर इनवाइस नंबर 1 करिएगा, और पार्टी नेम जो है यहाँ पर जय कर लीजिएगा, और यहाँ पर लेजर की बात किया जाए तो लेजर यहाँ पर बना लीजिएगा परचेस का। और यहाँ पर आप बुक, यहाँ पर राइस आप देखिए आपके पास यहाँ पर पहले से ही मौजूद है 154, और बुक जो है आपका 500। ओके, क्यों यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यह आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पर यह क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर बुक को कर ले, राइस को कर देते हैं और 500। अब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रेट आप फिक्स किए घर के सामान का वह आपको यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर से सप्लायर नंबर 2, और यहाँ पर जो है जया को एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर परचेस को एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। यह जो अगर आप लोगों को लिस्ट ऑफ कैटेगरी, सॉरी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम अगर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग स्पेस बटन को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। ओके,
तो आप आते हैं बुक पर और इंटर कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग जो है 800 और बुक जो है खरीद लेते हैं। यह परचेस करने की हो गया एंट्री, ये क्योंकि हम मार्केट से परचेस करके ला रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली रेट उठा लेगा क्योंकि रेट हम लोग जो है पर ओपनिंग में डाल रखे हैं। ओके, और इसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका हो गया सप्लायर, आपका इनवॉइस नंबर 2। बात करते हैं सेल की। अगर सेल में हम क्लिक करेंगे और यहां से अमित को हम कर दे रहे हैं सेलिंग और इसको एक्सेप्ट, यहां से सेल इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। और राइस, अब जैसे कि मान लीजिए हम 154 वहां पर खरीदे थे ओपनिंग में, 154 जो है हमारा ओपनिंग था और 500 जो हम परचेस किए, अगर हम 600 रेट अगर बेच दे रहे हैं तब भी हमारा कोई इसमें नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ओपनिंग प्लस आपका परचेस वाला दोनों आइटम यहाँ पर सेल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कितने रेट से बेच रहे हैं, तो ये मैं कर दे रहा हूँ 40 रुपया पर केजी और यहाँ पर एक्सेप्ट करके इसको एंटर कर लेंगे। ओके, आप इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर 2 कर देंगे और अमित को यहाँ पर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, इसको यहाँ पर स्पेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा और आपके पास जो है राइस अभी 54 kg बचा हुआ है और यहाँ पर आपको बुक मिल जाएगा। बुक को एंट्री करेंगे, अगर आप यहाँ पर 1200 अगर कर ले रहे हैं तभी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको रेट, तो हम जो है रेट लगाए थे 20 रुपया और कितना कर रहे हैं 25 रुपया जो है सेलिंग का लगा दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और यह चीज आपका हो गया क्लियर कि ओपनिंग जो है क्रिएट कहाँ से किया जाता है। यह आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसकी अगर हमें बैलेंस शीट चेक करना है तो बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देंगे तो आप लोगों को बैलेंस शीट यहाँ पर दिख जाएगा और बैलेंस शीट आप लोग जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हमें प्रॉफिट लॉस देखना रहेगा तो प्रॉफिट लॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूज कर सकते हैं। अगर स्टॉक समरी देखना रहेगा तो स्टॉक समरी यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक समरी। अगर डे बुक देखना रहेगा तो डिस्प्ले वाले पे आएंगे, फिर आप लोगों को डे बुक का मिल जाएगा ऑप्शन और यहाँ से डे बुक का ऑप्शन देख सकते हैं कि कितना मैं परचेस किया हूं प्लस कितना हम सेल किए हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो। जो लोग चैनल पर नए आए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो रहेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत पहुंचने वाला है। और वीडियो को लाइक कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।